The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Commerce Pathshala and make your BCom and MCom dreams come true. Download the app now. Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप लोग काफी अच्छे हैं. मैं आपका स्वागत करता हूं Commerce पाठशाला में. और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम करने वाले हैं MCO 24. जी हाँ, MCO 24 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है स्टेट द मॉडल्स ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑपरेटिंग इन इंडिया. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. काफी नया सब्जेक्ट है एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए और ये एमकॉम सेकंड ईयर से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर. इसको पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी. साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक नोट्स है, तो नोट्स ऐसे ही मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ. नोट्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं ऑलरेडी. आप उनको ऐप पे परचेस कर सकते हैं या फिर तो आप अपने ईमेल पे उन नोट्स को पा सकते हैं. नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों या फिर सेकंड सेमेस्टर के हों. आपको बस एक नॉमिनल अमाउंट पे करना है. लास्ट सेशन के मुकाबले जो प्राइसेज हैं वो बहुत ही लो रखी गई हैं ताकि ईजिली परचेस की जा सकें. अगर आप मेल पे लेना चाहते हैं तो आपको मुझे इसके लिए व्हाट्सएप करना पड़ेगा. फोन नंबर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप इस पीडीएफ को, इस पर्टिकुलर पीडीएफ को जो पहला क्वेश्चन है, ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा. आप वहां से इसको डाउनलोड करके सारी डिटेल्स वहां से आप पा सकते हैं. ठीक है, तो लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट्स हम तैयार करते हैं बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए. हम लाइक स्टडी करवाते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. जो लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं हमारे ऐप के माध्यम से करते हैं, वहाँ पे उनको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं. साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं जो कि मैं वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ, जिसको देख करके लाइक काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिला है. राइट, सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए फिर इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं. नाउ बात हो रही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग इन इंडिया. ठीक है, देखो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसके बहुत सारे मॉडल्स हैं. जैसे आप कौन सा मॉडल फॉलो कर, जैसे कि ये गांधीयन मॉडल आप अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द एथिकल मॉडल, जैसे गांधीयन मॉडल ऑफ ट्रस्टीशिप भी कहा आप बोल सकते हो, या फिर उसके बेसिस पे वो बेस्ड है. क्या है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा. तो ये ना कुछ मॉडल्स हैं जिसके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करती है. बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो इन्हीं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए अपने प्रॉफिट में से एक अच्छा खासा चंक जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी है, जो उनका एक सामाजिक दायित्व है कि वो उतनी बड़ी कंपनी है तो उनका भी एक होता है ना कि पे बैक करने का टाइम, तो वो पे बैक के लिए जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है. तो इन्हीं मॉडल्स को फॉलो करते हैं वो लोग, है ना. तो इन्हीं मॉडल्स के बारे में हम एक एक बात करके बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होगा. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. रिपोर्ट बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट. ठीक है, द रिपोर्ट द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी आप बोल सकते हो, कुमार एट एल 2021 मेंशंस फोर मॉडल्स ऑफ सीएसआर दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया. 2001 में टेरी ने, ठीक है ना, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक जो है एक आर्टिकल इशू करा या फिर एक रिपोर्ट इशू करा आप बोल सकते हो, जहां पे चार मॉडल्स बताए गए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, सीएसआर के. तो क्या क्या है, सबसे पहला है एथिकल मॉडल. तो एथिकल मॉडल एक तरीके से जो है गांधीयन मॉडल पे एक तरीके से रिलाय करता है, उसी के बेसिस पे जो है एथिकल मॉडल काम करता है. तो ये होता क्या है, ये होता कुछ इस तरीके का है कि गांधी जी का एक बिलीफ था कि जो भी पैसे आप लाइक आपके पास एक्स्ट्रा है, जो पैसे आप दान करना चाह रहे हो, उस पैसे को आप ट्रस्ट के रूप में एक तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो. आपके पास, आप सपोज एक कॉर्पोरेट हाउस चला रहे हो, आप एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने कंट्री के लिए, अपने समाज के बारे में भी कुछ करें, सोसाइटी के बारे में भी कुछ करें. तो आपने सोचा कि हमारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है हम अपने समाज को लाइक एक तरीके से दान कर देंगे, या उनकी भलाई के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. तो उसका गांधी जी ने क्या कहा कि इन सारे पैसों को जो है एक ट्रस्ट के रूप में जो है क्रिएट करना चाहिए, ट्रस्टीशिप जो है यहाँ पे तैयार होनी चाहिए, है ना. तो वही बात है. चलिए फिर इसको डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या है. सो दिस इज बेस्ड ऑन द गांधीयन मॉडल ऑफ ट्रस्टीशिप. द फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप प्रोपोंडेड बाय महात्मा गांधी बिलीव दैट द रिच शुड यूज देयर वेल्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड, है ना. तो गांधीयन जो मॉडल है ट्रस्टीशिप का, वहां पे ये बात बोली गई है. उन्होंने लाइक अपनी फिलॉसफी में भी ये सारी बातें बोली हैं, और जो फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप है जो कि प्रोपाउंड किया गया था बाय द महात्मा गांधी, वो ये बिलीव करते थे कि जो रिच है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास वेल्थ है, उनको अपने वेल्थ का जो इस्तेमाल जो है वो पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के वेलफेयर के लिए करना चाहिए, उनके लिए वो पैसों का इस्तेमाल जो है होना चाहिए.
In India, poverty and inequality still is a structural problem, and unless business come forward to strengthen the society, these problems will continue to create conflict of interest among different segments of the society. तो ये हमें आज भी देखने को मिलता है. अभी के टाइम पे भी हम देखते हैं जो रिच है वो बहुत रिच है और जो पुअर है वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा पुअर होता जा रहा है. उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का, मनी का, वो सही नहीं है. तो चूंकि ये सही नहीं है तो उसके उसी के कारण से जो है रिच वो हर साल वो ज्यादा से ज्यादा रिच होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है. तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा था कि इस चीज को एक तरीके से बैलेंस करने के लिए, इस चीज को लाइक यू नो बेहतर करने के लिए जो जो रिच है लोग हैं जिनके पास पैसे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने पैसों का इस्तेमाल जो है अंडर प्रिविलेज और पुअर लोगों के लिए करना चाहिए और अपने सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने के लिए करना चाहिए ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अमंग द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में बहुत सारे सेगमेंट्स आपको पता है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, यू नो पुअर लोग, बहुत सारे. तो ये जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हम शिकायत करते हैं ना कि उनके पास इतने पैसे क्यों हैं, हमारे पास इतने कम क्यों हैं, उनके पास हैं तो वो लोग दान नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको एक तरीके से ना हो, इस चीज का जो गैप है उसको मिटाया जा सके, इस चीज के लिए जो है ये एथिकल मॉडल काम करता है. द गांधीयन मॉडल ऑफ ट्रस्टीशिप इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट सरप्लस वेल्थ शुड बी कैप्ट इन ट्रस्ट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो गांधी जी ने क्या कहा कि जो सरप्लस वेल्थ है, ऐसा पैसा जो कि सरप्लस है जिसका कोई इस्तेमाल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जमा रखोगे अपने पास, तो इस सरप्लस मनी का जो है पैसा वो हमेशा ट्रस्ट में होना चाहिए और उस ट्रस्ट का में जो पैसे होंगे उसका इस्तेमाल जो है वो सोसाइटी के लिए होना चाहिए. तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में जो है ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्ट के यू नो एक ट्रस्ट तैयार किया जाता है जहाँ पे सारे रिच लोग यू नो पैसे दान करते हैं और उस पे जो है वो लोग कॉलेज चलाते हैं या फिर स्कूल चलाते हैं. हालांकि बाद में उसमें भी धंधा होने लगता है, वहां पे पैसों का एक तरीके से बिजनेस वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्टिल वही तरीका है. ठीक है ना, मतलब पैसे कमाना तरीका नहीं है, लोगों के वेलफेयर के लिए कि आपने चलो SC ST के लोगों के लिए या फिर ऐसे लोग जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए आपने कोई स्कूल स्टार्ट कर दिया, कोई कॉलेज स्टार्ट कर दिया, इन सब चीजों के लिए गांधी जी ने कहा था कि होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. धीरे धीरे करके सारी की सारी चीजें जो है पैसे के आप ऊपर आकर के अटक जाती है. ठीक है ना, तो वो इसमें यहाँ पे एक दिक्कत देखने को मिलती है. So, the business while being economically viable should also uphold the ethical values to create sustainable livelihood for all, है ना? तो यहाँ पे जो एक you know businesses की ये भी एक तरीके से responsibility हो जाती है कि जो वो ethical values को मान करके जो है अपने काम को करें ताकि जो जो एक sustainable livelihood की बात की जा रही है, एक बंदा जो है सही तरीके से रह सके, अपना जीवन यापन कर सके, उसको किस तरीके से business बेहतर बना सकता है, वो उस चीज में business किस तरीके से help कर सकता है, इसके बारे में गांधी जी ने बात कही थी. है ना, some corporate are huge in terms of their size and the number of lives they impact and hence can be instrumental in bringing about structural changes in the society. तो आपने सुना होगा कि बहुत सारी companies बहुत ज्यादा बड़ी-बड़ी हैं, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग उनके ऊपर dependent हैं, तो उनको कुछ इस तरीके से करना चाहिए ताकि वो अपने सारे you know employees या फिर जो भी लोग उनके ऊपर dependent हैं उनके you know जो उनका जो रहन सहन है, जो लाइवलीहुड है, उसको वो लोग किसी तरीके से ठीक कर सके और ये उनके डिसीजंस के बेसिस पे इनका जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है ना. तो कुछ अगर पॉजिटिव डिसीजंस लिए जाते हैं तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो सोसाइटी में देखने को मिलते हैं. ठीक है, when the corporate governance and finance are in order they can generate social reforms. ठीक है ना, तो जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंस जो है वो ऑर्डर में रहेगा वो क्या करेगा, वो जनरेट करेगा सोशल रिफॉर्म्स को, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है. ठीक है, अगला पॉइंट है द स्टेटिस्ट मॉडल. ये क्या है, द मॉडल केम इनटू बीइंग विद द अडॉप्शन ऑफ सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी बाय जवाहरलाल नेहरू. तो आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, हम लोगों ने ना ही प्राइवेट ओनरशिप की तरफ ज्यादा ध्यान गया ना ही पब्लिक ओनरशिप की तरफ ध्यान गया. हालांकि हमारा ज्यादा ध्यान जो है या फिर ज्यादा टिल्ट जो है हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक चीजों की तरफ ज्यादा था, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल चीजों के ऊपर होना चाहिए, रिसोर्सेज के ऊपर होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके जो है लाइक गवर्नमेंट को भी समझ में आने लगा और 1991 में आकर के जो प्राइवेटाइजेशन होता है उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं. बट स्टिल 1947 के बाद जो हमारा जो मेन आइडिया था वो ये था कि हमारी कंट्री जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में जानी जाएगी, मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में हम काम करेंगे जहाँ पे हम सोशलिस्ट और यू नो और जो कैपिटलिस्ट होता है वो दोनों एक साथ मिलकर के एग्जिस्ट करेंगे.
है ना। इन दिस मॉडल द कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेर गवर्न बाय द स्टेट ओनरशिप एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो इस मॉडल में क्या होता है, जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक कॉर्पोरेट को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो स्टेट ओनरशिप के पास होती है, स्टेट ओन करता है, स्टेट जैसा कहता है वैसा आपको मानना होता है। तो स्टेटिस्ट मॉडल लाइक एक तरीके से पहले चलता था, अभी उतना ज्यादा इसका असर जो है देखने को नहीं मिलता है। द लेबर लॉज एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैड इन देम द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू कम्युनिटी एंड वर्कर रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो जो लेबर लॉज हैं, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, उनका इस्तेमाल जो है हम अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए करते हैं और उसको एक तरीके से सही तरीके से यूं इंप्लीमेंट किया जा सके, इसके लिए जो है इन सारे प्रिंसिपल्स का, इन सारे लॉज का जो है इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज इवन टुडे फॉलो द स्ट्रेटेजिक मॉडल ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉर्पोरेट फिलॉसफी। तो यहाँ पे देखो एक बात बोली गई कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज, है ना, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है इंडिया में वो गिनी चुनी है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि जो भी है बहुत ही बड़ी बड़ी है, नवरत्न, महारत्न, इन सारी कंपनीज का आपने नाम सुना होगा। तो ये सारी सारे PSUs है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, तो ये एक तरीके से अभी के टाइम पे भी स्टैटिक मॉडल का जो है इस्तेमाल करती है, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया, ये अभी भी चलता है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा चलता था, अभी इसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। थर्ड मॉडल है द लिबरल मॉडल, ठीक है ना। ये क्या है, दिस मॉडल वॉज प्रपोंडेड बाय द मिल्टन फ्रीडमैन। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन अप बाय द कॉर्पोरेट डिस्टोर्ट्स इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द शेयर होल्डर्स एज दे हैव नो से इन डिसाइडिंग हाउ देयर मनी विल बी स्पेंट इन दीज एक्टिविटीज, है ना। तो लिबरल मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे इसको एक्चुअली मिल्टन फ्रीडमैन ने लाइक एक तरीके से प्रपाउंड किया था, इस आइडिया को लेकर के आया था। तो उन्होंने क्या कहा कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेकन अप बाय द कॉर्पोरेट डिस्टॉर्टर्स इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द शेयर होल्डर्स एज दे हैव नो से इन डिसाइडिंग हाउ देयर मनी विल बी स्पेंट इन दीज एक्टिविटीज। तो ये जो एक्टिविटीज है इसके ऊपर पैसों का जो है विनिमय, जो खर्च है वो किस तरीके से किया जाएगा, विनिमय नहीं, विनिमय एक्चुअली दूसरा वर्ड हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो किस तरीके से खर्च किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी जो है उनके पास नहीं थी, है ना। तो इसमें ये बात लाइक एक तरीके से निकल करके आती है कि आपको जो है खर्च जो है आपको अकॉर्डिंगली करना है, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स चीज है कि इसके ऊपर आपको इस चीज ज्यादा ध्यान देना है, उस चीज के ऊपर कम ध्यान देना है। तो सारी चीजें जो है यहाँ पे अकॉर्डिंगली होंगी, जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने कहा ही आर्ग्यूड दैट कॉर्पोरेशन शुड एंगेज इन एक्टिविटीज दैट वुड जनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशंस ऐसे एक्टिविटीज में ही उनको संलिप्त होना चाहिए जहां पे वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर सके और उनको प्रॉफिट हो सके। लिबरल मॉडल में एक तरीके से आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आपको पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है, है ना। एक तरीके से यहाँ पे लिबरल चीजें स्वायत्तता प्रोवाइड की जा रही है जो कंपनीज है उनको, ठीक है ना। However, in doing so, they should abide by the law and follow ethical customs. तो उनको खुली छूट तो दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि उन सभी को जो है लॉ को फॉलो करना होगा और जो भी एथिकल कस्टम्स हैं, जो सारे कस्टम्स चलते आए हैं उनको भी उनको फॉलो करना होगा। Friedman in this article in New York in 1970 titled The Social Responsibility of Business is to Increase its Profit. तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जहाँ पे उन्होंने नाम रखा The Social Responsibility of Business is to Increase its Profit. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बिजनेस का वो यही होता है कि वो प्रॉफिट को बढ़ाए। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट टू जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े, जो मॉडल पढ़े हैं उससे ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा क्या कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉफिट ही बोला जा रहा है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने आर्टिकल में कहा, जिस आर्टिकल का नाम ये है, says that there is one and only one social responsibility of the business to use its resources and engage in activities designed to increase its profit so long as it stays in the rules of the game, which is to say engage in open and free competition without deception or fraud, ठीक है। तो उन्होंने clearly कहा कि जो आपकी जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी मेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि आप ऐसे कामों को करें जो कि लीगल हो, जिनका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो और लंबे समय तक करने के लिए उनको करना चाहिए, रूल्स जो है उनको फॉलो करना है ना, जो भी चीजें हैं, जो फ्री कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गलत चीजें कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो है होनी चाहिए, ये अकॉर्डिंगली ये कहा गया था अकॉर्डिंग टू द मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। इन दिस आर्ग्यूमेंट ही सेज The directors of the corporation or the other executives should not take up social responsible programs as they do not have any incentive for prudent spending on the shareholders' money.
ठीक है ना। तो उन्होंने क्लियरली ये बात बोली, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट भी दिया कि जो डायरेक्टर्स होते हैं कॉर्पोरेशंस के, उनके पास ये अधिकार नहीं होता कि जो पैसे शेयर होल्डर्स के हैं वो उसको उस तरीके से इस्तेमाल करें जैसा वो चाहें। ठीक है ना, प्रॉफिट जो होता है आपको पता होगा कि उसमें डिविडेंड हमें मिलता है, तो अल्टीमेटली वो सारे के सारे पैसे हमें हैं, हमारे ही हैं। तो आप बिना हमारी मर्जी के या फिर बिना चीजों को समझे आप कैसे चीजों को प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। और इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बोला गया है शुड नॉट टेक अप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम उनको लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एज दे डू नॉट हैव एनी इंसेंटिव, वहां पे कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है शेयर होल्डर्स के मनी को स्पेंड करने के बाद। जो शेयर होल्डर है उसके उनको उसको कोई इंसेंटिव वहां पे नहीं मिल रहा है। तो एक सीईओ को या फिर किसी डायरेक्टर को ये हक किसने दिया कि वो हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर इस तरीके से इस्तेमाल कर सके। हालांकि हम भी चाहेंगे कि उसका इस्तेमाल हो, पर जिसको करोड़ों रुपए उसके चले जा रहे हैं इस काम में, उसको तो भाई थोड़ा अकड़ेगा ना, है ना। तो लिबरल मॉडल जो है ये एक तरीके से जो लोग हैं, जो कॉर्पोरेशन हैं, उनके लिए अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। फर्स्ट टू मॉडल्स पब्लिक के लिए सही था। फोर्थ है द स्टेक होल्डर मॉडल। द स्टेक होल्डर मॉडल वॉज प्रोपाउंडेड बाई द एडवर्ड फ्रीमैन, ठीक है ना। तो स्टेक होल्डर मॉडल जो है इसको प्रोपाउंड किया गया था, कॉइन किया गया था बाई द एडवर्ड फ्रीमैन। उन्होंने कहा द थ्योरी आर्ग्यूज दैट द कंपनी शुड बी ड्रिवन बाय द वेलफेयर ऑफ द स्टेक होल्डर एंड नॉट स्टॉक होल्डर्स, ठीक है ना। तो जो कंपनी है उन्होंने तो कुछ और ही कहा, उन्होंने कहा कि जो वेलफेयर है उसमें ध्यान जो है सिर्फ स्टेक होल्डर के वेलफेयर का ध्यान देना चाहिए, ना कि स्टॉक होल्डर्स का, सिर्फ स्टॉक होल्डर्स का जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स इंक्लूड शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स में आपके शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, इंप्लॉइज आ जाएंगे, कंज्यूमर्स आ जाएंगे, सप्लायर्स आ जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स, रिलेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज एंड लोकल कम्युनिटीज, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका स्टेक उस कंपनी में है, जिनका कुछ ना कुछ इन्वेस्ट उस कंपनी में है, जिसके कारण से उनका जो है एक तरीके से वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कुछ भी दिक्कत होने से। तो उनके चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है स्टेक होल्डर्स के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, सिर्फ स्टॉक होल्डर्स के बारे में आप नहीं सोच सकते, है ना। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट था एडवर्ड फ्रीमैन का। दिस मॉडल कंसिडर्स इटसेल्फ विद नॉट जस्ट प्रॉफिट अर्निंग बट ऑल्सो द इम्पैक्ट अपॉन मेजर टूवर्ड्स द कंसर्न्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, दे बिकम मोर रेजिलियंट देमसेल्व्स, है ना। तो इन सपोर्ट ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल के सपोर्ट में फ्रीमैन ने क्या कहा कि आपका जो है जो मेन रिस्पॉन्सिव जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को आप एक तरीके से दूर कर सको, किस तरीके से आप उनका ख्याल रख सको, है ना। तो अगर आप उनका ख्याल रखोगे तो वो बहुत ज्यादा रिजिलियंट बनेंगे, दे बिकम मोर रिजिलियंट देमसेल्व्स। इट ऑल्सो रिजल्ट इन बेटर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ बोथ ऑफ द फर्म एज वेल एज अ सोसाइटी। अगर ऐसा होता है तो लॉन्ग टर्म में ऐसा रिजल्ट्स में ऐसा देखा जा सकता है या फिर देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में ये सोसाइटी और फर्म दोनों के लिए अच्छा होता है, द स्टेक होल्डर मॉडल। तो ये चार मॉडल है जिसके ऊपर कंपनीज जो है, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेशन जो है, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट हाउसेज जो है वो काम करती है। तो काफी इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर, कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर लो यार, कमेंट कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ। सारे के सारे लेक्चर्स अब बनने स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, मैं सारे के सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पर डाल दूंगा। कुछ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैं डालने वाला हूँ, वो चीजें हमारे ऐप पे भी जाएंगी। तो जिन लोगों ने हमारे ऐप पे इंडिविजुअल कोर्सेज परचेस करके रखे हैं उनको भी काफी बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी थोड़े से कट्स के साथ इनको जो है अपलोड किया जाएगा फिलहाल के लिए, बाद में इसको हटा दिया जाएगा बिकॉज ये पेड कोर्स के लिए है। तो जो लोग यहाँ पे मेंबरशिप लेंगे हमारे यूट्यूब चैनल का उनको ये बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और नोट्स के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा 8101065300 इस वाले नंबर पे आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक अपना असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करा है तो फटाफट कॉल हमें कर लो, असाइनमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, मैं तुरंत आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप फटाफट उसको लिख करके सबमिट कर दो बाय द एंडिंग डेट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए और तैयारी अच्छे से करो, घबराना नहीं है, एग्जाम्स में ज्यादा समय बचा नहीं है तो तैयारी अच्छे से करो। इन केस ऑफ एनी नीड, एनी हेल्प, एनी कंफ्यूजन, एनी गाइडेंस, एनी सजेशन यू नीड, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी एट द नंबर दैट आई हैव मेंशनड इन माय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में भी है, इस वीडियो के पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।